तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो के अंदर। देखिए, जब डेवलपर में आते हैं या व्यू में आते हैं तो आपको यहाँ पे माइक्रोज के अंदर में रिकॉर्ड माइक्रोज मिलता है। रिकॉर्ड माइक्रोज क्या है कि आपके किसी स्टेप को वो कन्वर्ट करता है कोड के अंदर, आपके स्टेप को कन्वर्ट करता है कोड के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे माइक्रो को रिकॉर्ड किया और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टुडे और एंटर प्रेस किया, तो इसने एक कोड कर लिया कि टुडे माइक्रो, टुडे जो है हमारा, उसकी कोडिंग कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली ध्यान रखिए, वीवीए के जरिए जो हम कोड करते हैं या रिकॉर्ड माइक्रो के जरिए कोड करते हैं, दोनों माइक्रोज ही कहलाते हैं। रिकॉर्ड माइक्रोज एक टूल्स है जो आपके बिहाफ पे आपकी रिकॉर्ड आपके लिए माइक्रो तैयार कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक टूल्स है जिसके जरिए हम माइक्रोज लिख सकते हैं, तो फिर हम क्यों माइक्रो रिकॉर्डिंग करते हैं, माइक्रो का यूज क्यों करते हैं, मतलब कि माइक्रो वीवीए प्रोग्रामिंग सीखते क्यों है? क्या सर, जब हमारे पास ऑलरेडी है तो वीवीए प्रोग्रामिंग हम सीख क्यों रहे हैं? देखिए, उसके दो क्वेश्चन है। पहला कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का जो हम यूज करते हैं वो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग आपके लिए हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज जो है आप जस्ट कुछ चीज़ों में कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप डायनेमिक नहीं कर सकते, आप वैलिडेशन नहीं कर सकते, आप कंडीशंस नहीं लगा सकते, रिपीटेशंस नहीं हो सकती, कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। तो फिर रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल क्यों होता है? रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल होता है कनेक्टिविटी के, सॉरी, रिकॉर्डिंग माइक्रो का लर्निंग पीरियड में आप यूज करते हैं एक डिक्शनरी की तरह। जैसे मान लीजिए कि मुझे कॉपी पेस्ट करने का कोड पता नहीं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, माइक्रो रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, अब स्टॉप करूंगा और मैं जाऊंगा माइक्रोज में और एडिट करके देख लूंगा कि माइक्रो को कॉपी पेस्ट करने के, किसी सेल को कॉपी और पेस्ट करने का क्या कोड होता है। तो आगे चल के जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको पिवट में, आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आपके फिल्टर में, तो ऐसे जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड हमारे कोड होते हैं वो हमें याद नहीं होते हैं। तो ऐसे कोड को हम रिकॉर्डिंग माइक्रो के मदद से हेल्प ले सकते हैं। पहले, अब यहाँ पे क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन आती है, पहली चीज तो समझा दी, दूसरी क्वेश्चन आती है कि मान लीजिए मैं अगर पूरी तरह से वीवीए को सीख गया, क्या तब भी मैं माइक्रो का इस्तेमाल, रिकॉर्ड माइक्रो इस्तेमाल करूंगा? देखिए, जब आप पूरी तरह से माइक्रो सीख जाएंगे तो रिकॉर्ड माइक्रो का यूज कम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोड होते हैं जो हमेशा याद नहीं होते हैं, तो ऐसे कोड में आप जो है हेल्प ले सकते हैं रिकॉर्डिंग से। दूसरा, एक रिपोर्ट को ऑटोमेट करने की कोडिंग से बचने के लिए भी रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक डेटा, आपके सामने एक डेटा है, हमने डेटा यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक पूरा का पूरा, मान लीजिए कि डेटा है, ओवरऑल डेटा है, देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे हमारे कस्टमर्स है, राइट। अब मुझे किसी ने फोन करा बोला कि पूजा की कोई क्या सेल है, पूरी सेल का फाइल दे दो, तो मुझे क्या करना होता है, फिल्टर लगा के पूजा को फिल्टर करके, डेटा कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करके और फिर उसको सेव करना होता है, राइट, समझे। तो मैं ऐसा माइक्रो बनाना चाहता हूँ कि मैं रन करूँ, मुझसे पॉपअप पूछे, पॉपअप में नाम डालू, ओके करते ही फाइल डेटा कॉपी करके एक नई फाइल में डाल, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो शुरू करते हैं। लेकिन जब भी आप रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो ध्यान ये होगा कि आप कोई एक्स्ट्रा माउस मूविंग, एक्स्ट्रा क्लिकिंग, डबल क्लिक जैसे नहीं, फालतू की चीज़ है उसको यूज नहीं करेंगे। आप वही चीज़ यूज करेंगे जिसका आपकी रिपोर्ट में ज़रूरत है। तो हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया,
और इसके बाद फिल्टर लगाया। फिल्टर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे मान लीजिए अजीत को सिलेक्ट किया, A1 पे गए कंट्रोल्स। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप रिकॉर्डिंग माइक्रो करें तो माउस से सिलेक्शन ना करें, कंट्रोल सिर्फ राइट एरो डाउन है। अब इसके पीछे का डेटा कॉपी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल जी किया, हमने स्पेशल किया और यहाँ हमने ले लिया विजुअल सेल्स ओनली। हमने क्या लिया? विजुअल सेल्स ओनली। और फिर मैंने इसको ओके किया और फिर इसको कॉपी किया। अब मेरे पास ऑलरेडी दो शीट है, लेकिन इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बार बार हर बार इस शीट इसमें होना चाहिए। देन प्लस आप करूंगा, एक नई शीट ऐड करूंगा, उसमें पेस्ट करूंगा और इसका नाम अजीत लिखूंगा। और फिर इस अजीत को राइट क्लिक कर मूव एंड कॉपी और एक नई फाइल में मूव कर दूंगा। और फिर इसको सेव करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे F22 में इसका नाम हम अजीत और इसकी फाइल टाइप जो है एक्सेल से यूज करके सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अब इस फाइल को क्लोज करते हैं, शीट वन पे जाते हैं, फिल्टर को हटाते हैं और फिर माइक्रो को स्टॉप करते हैं। अब मेरा जो माइक्रो 2 बना हुआ है, ये इसको रन करने पे आपका पूरा काम नहीं होगा क्योंकि तो इस कोड में कुछ प्रॉब्लम्स है। अब एडिट करके मैं कोड में आता हूँ और इस कोड की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता हूँ। आप देख सकते हैं सिंपल सा इंग्लिश लैंग्वेज है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि रेंज सिलेक्शन सिलेक्शन और सिलेक्ट हुआ, तो हमने डेटा को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट जरूरत नहीं, हम गलती से कर दिए थे। A1 डॉट सिलेक्ट जो है आपको ये ऊपर लिखना होगा। और सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, यहाँ भी ऑटो फिल्टर है। अब जैसे जानते हैं कि हम डेटा में एक बार फिल्टर लगाते हैं तो लग जाता है, दूसरा बार लगाते हैं तो हट जाता है ना सर? क्या यहाँ मैं शॉर्ट फिल्टर में गया, फिल्टर लगाया, फिर इसी पे वापस क्लिक करूंगा तो फिल्टर डिसअप्लाई हो जाता है। वीवी के थ्रू एक यहाँ फिल्टर लग रहा है, फिर यहाँ फिल्टर लग रहा है, ए वाला फिल्टर मैं यहाँ से रिमूव कर देता। फिर हमने फिल्टर लगाते समय कोई डेटा सेलेक्ट नहीं किया था, ऑटोमेटिक कंट्रोल ए ले लिया था, तो हम सिर्फ A1 पे फिल्टर लगाएंगे, डेटा ऑटोमेटिक हो जाए। इससे क्या होगा कि आपका डेटा कल के डेट में बढ़ेगा घटेगा तो आपको यहाँ रेंज को बढ़ाना घटाना नहीं है। A1 डॉट सिलेक्ट है, सिलेक्शन डॉट एंड राइट में डाउन में विजुअल सेल्स सिलेक्शन को कॉपी किया, सीट को ऐड किया, सीट को पेस्ट किया, यहाँ तक तो करेक्ट है। अब ये प्रॉब्लम है सीट 4 डॉट सिलेक्ट, तो जब भी सीट ऐड होगा वो सीट 4 होगा, इसकी गारंटी नहीं है। इतना पता है कि वो सीट ऐड होगा। और यहाँ पे देखिए एक्टिव शीट डॉट पेस्ट का यूज किया गया है, तो एक्टिव शीट डॉट पेस्ट हो सकता है तो एक्टिव शीट डॉट नेम अजीत भी हो सकता है और एक्टिव शीट डॉट मूव भी हो सकता है। और बाकी जो अजीत सिलेक्ट है, ए जो सिलेक्शन है उसको डिलीट कर दीजिए, जरूरत नहीं है। मूव हो गया। मूव होने के बाद आप यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज अजीत के नाम से सेव किया, क्लोज किया, सीट वन पे आए, ऑटो सिलेक्शन करके फिल्टर हटा दिए। अब मेरा ये परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है सर, एक बार गलती हो गई, एक छोटी सी गलती हो गई है। ये जो एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मूव जो फॉल्स है ना वो रहना चाहिए। ये क्या होता है, जैसे हम कोई एरिया कॉपी करते हैं और फिर यहाँ स्केप करते हैं तो हट जाता है ना, वो चीज है यहाँ पे। बाकी परफेक्ट है। अब मैं इसको रन करूंगा तो अजीत नाम का ही फाइल बनाएगा, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि जो कि मुझसे पूछे क्या, तो उसके लिए मुझे एक यहाँ कोड ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहाँ हमने बोला एंटर नेम। एक पॉपअप देगा जहां पे नेम टाइप करने का होगा, नेम टाइप करते ही वो लोकेशन एन पे सेव हो जाएगा। एन क्या है? एक वेरिएबल है, एक डेटा टाइप है, मतलब टेम्परेरी सेविंग लोकेशन है, जो इनपुट बॉक्स पे जो नाम डलेगा वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब मुझे जहां जहां वो नाम चाहिए मैं जस्ट वहां वहां एन लिखूंगा, वो नाम पास आउट हो जाएगा। तो ये पास आउट हो गया, लेकिन ये यहाँ पे एन लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एन एक वेरिएबल है, तो और ये पाथ जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो एन नाम का ही फाइल बना देगा।
मुझे यहाँ तोड़ना ठीक यहाँ, और एन परसेंट होता है ज्वाइन के लिए, कॉन्कैटेनेट का जो होता है वो एन परसेंट होता है। अब आपका परफेक्टली रन करेगा। अब इस माइक्रो को मैं रन करता हूँ, मान लीजिए रवि के लिए, तो मैं माइक्रो में गया माइक्रोज, और यहाँ से माइक्रोज टू एंड रन किया। रन करते क्या हुआ, इनपुट बॉक्स के जो हमने कोड डाला था वो यहाँ देखिए एंटर नेम आ गया, और मैं यहाँ पे हमने कर दिया रवि, और रवि के जैसे ओके किया आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड में रवि का डेटा आपके एफ ड्राइव के 2022 नंबर फोल्डर में, ये देखिए आ गया रवि का डेटा सर, समझे का? हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो की, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो से मुझे इतना सारा कोडिंग करने से बच गए। रिकॉर्डिंग माइक्रो करने पे कुछ कोड को मैंने मॉडिफाई किया, कुछ कोड को मैंने डिलीट किया, और एक दो लाइन हमने ऐड किया, राइट? लेकिन अगर मैं खुद से लिखने जाता तो ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग, अभी तो चलिए आपका 20-25 लाइन का प्रोग्रामिंग है, लेकिन इन फ्यूचर में आपका ये प्रोग्रामिंग हो सकता है कि काफी बड़ा हो, क्या सर? अच्छा तो यहाँ पे हम जो है रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी रिकॉर्डिंग माइक्रो, अब इसमें ऐसा तो नहीं कुछ समझ में ना आ रहा, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में एक्टिव सी डॉट रेंज ऑटो फिल्टर, मैं पता है फिल्टर लग रहा है क्या, ये आपको इजीली समझ में भी आता है, राइट? अब बात करते हैं कि हम कोई माइक्रो को रन कैसे करें। देखिए माइक्रो को रन करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, दो तीन तरीके हैं। पहला कि आप यहां से तो रन करते ही हैं, उसके अलावा आप ऑप्शन पे जाके यहाँ शॉर्टकट भी बना सकते हैं। इस कंट्रोल शिफ्ट क्यू मैंने शॉर्टकट बना दिया, तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू करने से ही मैं माइक्रो रन हो जाएगा। उसके बाद आप जो है बटन्स पे भी असाइन कर सकते हैं, यहाँ देखिए फॉर्म कंट्रोल बटन है, इसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करते असाइन माइक्रो का ऑप्शन आ जाएगा, माइक्रो को सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। अब यहाँ पे नाम दे दीजिए जो नाम देना है, मैंने यहाँ दे दिया रन, ठीक है? उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पिक्चर है या कोई सेप है, जैसे इलस्ट्रेशन से मैंने मान लीजिए कि ये शेप ले लिया, और इसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने यहाँ कर दी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे रन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस पे क्लिक करते रन, समझे? तो यहाँ भी सिंपल राइट क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए असाइन माइक्रो दिखेगा, दिख रहा है? किसी पिक्चर्स ग्राफिक्स पे आप राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो, और जैसा असाइन माइक्रो करेंगे माइक्रो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप माइक्रो रन कर सकते, राइट? तो रिकॉर्डिंग माइक्रो समझ में आ गया?